बॉलीवुड की फिल्मों में कई बार कुछ किरदार ऐसे हो जाते हैं फिल्मों में कि उनका स्क्रीन स्पेस तो छोटा होता है लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ जाते हैं। ऐसा ही एक किरदार एक्टर तरुण अरोड़ा ने निभाया था फिल्म जब वी मेट में करीना के बॉयफ्रेंड अंशुमन का। और इस फिल्म में देखने के बाद अंशुमन जो है इंडस्ट्री के या लोगों के या लड़कियों के मोस्ट हेटेड बॉयफ्रेंड बन गए हैं। इस तरह का बॉयफ्रेंड कोई नहीं चाहता है और इस किरदार से नफरत हो गई लोगों को। अगर किरदार से नफरत हुई तो मतलब तरुण अरोड़ा ने अपना काम इतना बेहतरीन किया कि लोगों ने उसे असली में समझा और लोगों को उनकी परफॉर्मेंस हिट कर पाई। तो आज कब की और कैसे में हम उसी ब्रिलियंट अंडररेटेड एक्टर तरुण अरोड़ा की बात करेंगे। कम ही लोग जानते हैं कि तरुण अरोड़ा जब वी मेट से पहले भी इंडस्ट्री में कई प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन चुके हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें पहचान बहुत लंबे समय बाद मिली। तरुण अरोड़ा पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं। हालांकि वो एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़े हैं, बचपन में ही फैमिली वालों ने उन्हें चेन्नई के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया था जिसके बाद उनकी दुनिया ही बदल गई। और बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई करने के बाद उन्होंने बेंगलोर के एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। क्योंकि तरुण की हाई पर्सनैलिटी अच्छी थी यही कारण है कि उनके साथ में उनके दोस्त लोग उन्हें अक्सर मॉडलिंग करने के लिए कहा करते थे। और कॉलेज टाइम में मॉडलिंग हर कोई करता है पॉकेट मनी के लिए। तरुण अरोड़ा ने भी ऐसा किया और उन्हें रिस्पॉन्स अच्छा मिला, उन्हें पैसा अच्छा मिलने लग गया और जब थोड़ी सक्सेस मिली तो उन्होंने इस मॉडलिंग के करियर को सीरियसली लिया। 1998 में उन्होंने ग्लैडरिक्स मैनहंट कॉम्पिटिशन जीता और उसके बाद उन्हें बड़ी ब्रांड्स एडवर्टीजमेंट के लिए अप्रोच करने लगे। इस दौरान तरुण ने रेमन, वेस्ट साइड, क्वालिटी वॉल्स जैसी बड़ी ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की और उस दौरान इस तरह के ब्रांड्स में आ गए यानी कि आप टॉप के मॉडल बन गए। और मॉडलिंग से उन्हें चांस मिला म्यूजिक वीडियो में। एक बहुत ही सुपरहिट गाना है जिसमें तरुण अरोड़ा ने काम किया था। ये गाना तो सबको याद होगा लेकिन मेरे बताने के बाद ही आपको याद आएगा कि हाँ ये वही है। एक्चुअली ये गाना है दिल चोरी साडा हो गया। ये गाना सुपरहिट था और इस गाने में मेल मॉडल जो थे वो तरुण अरोड़ा ही थे लेकिन तब तक जब वी मेट जैसी पॉपुलैरिटी उन्हें मिल नहीं पाई थी। इनिशियली तरुण अरोड़ा ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में ट्राई किया। उन्होंने हवस नाम की फिल्म में काम किया, शीन और 19 रेवोल्यूशन जैसी फिल्म में भी काम किया लेकिन कुछ खास सक्सेस नहीं मिली। बॉलीवुड इंडस्ट्री में इतने सालों तक ट्राई करने के बाद फाइनली तरुण अरोड़ा हार गए और मुंबई छोड़कर बैंगलोर चले गए। क्योंकि तरुण ने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था इसीलिए उन्होंने अपने इसी करियर को आगे परस्यू करने का सोचा और उन्होंने रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू कर दिया। ऐसे में एक दिन तरुण अरोड़ा अपने रेस्टोरेंट पर बैठे थे और तभी उन्हें कॉल आता है। सामने वाला बंदा कहता है मैं इम्तियाज़ अली बोल रहा हूँ। तरुण अरोड़ा को पता ही नहीं कि इम्तियाज़ अली है कौन। तब तक इम्तियाज़ अली भी इतना बड़ा नाम नहीं हुए थे इंडस्ट्री में इसीलिए। जिसके बाद इम्तियाज़ अली ने कहा कि मैं फिल्म डायरेक्टर बोल रहा हूँ और तुम्हें आने वाली फिल्म में कास्ट करना चाहता हूँ। तरुण अरोड़ा ने तुरंत इम्तियाज़ अली को अपना शोरील भेजा जिसके बाद इम्तियाज़ अली को उनका लुक पसंद आया और मीटिंग करने के लिए उन्होंने तरुण अरोड़ा को मुंबई बुला लिया। क्योंकि तरुण अरोड़ा इस मुंबई से पूरे होकर जा चुके थे, उन्होंने सालों तक मुंबई में खाक छान ली थी इसीलिए यहाँ पर वो ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहते थे। इम्तियाज़ अली से जिस दिन मीटिंग थी सेम डे उन्होंने लौटने का भी टिकट करवा दिया और मीटिंग के दौरान उसी टाइम इम्तियाज़ अली से पूछ लिया कि क्या आप मेरे को फिल्म में लेना चाहते हैं या नहीं क्योंकि मेरी अभी ही रिटर्न टिकट है। इम्तियाज़ अली को तरुण अरोड़ा का ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर उनके कैरेक्टर जैसा लगा, अंशुमन जैसा। यही कारण है कि उनके इस नेचर से और उनकी इस बात के बाद इम्तियाज़ अली ने तरुण अरोड़ा को अंशुमन का किरदार दे दिया और यहाँ से उनकी लाइफ पलट गई। जब वी मेट का ये जो अंशुमन वाला रोल था ये कभी ना भुला देने वाला रोल है। चाहे उन्हें जनता की नफरत मिली लेकिन तरुण अरोड़ा इतने सालों से जिस विजिबिलिटी का इंतजार कर रहे थे वो विजिबिलिटी उन्हें इस फिल्म ने दे दी थी। इस फिल्म के बाद उन्हें कई सारे ऑफर्स आने लगे लेकिन उन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया। ये तो बड़ी फिल्म थी, उन्हें पता था कि आगे चलकर इंडस्ट्री में वही सेम छोटे मोटे रोल मिलने वाले हैं इसीलिए उन्होंने अपने रेस्टोरेंट बिजनेस पर ही फोकस किया। वो फिर से बैंगलोर चले गए लेकिन इस बार अपनी कला से भी जुड़े रहे। उन्होंने वहाँ पर साथ में थिएटर भी शुरू कर दिया और थिएटर करते करते उन्होंने इतनी बड़ी पहचान बना ली कि साउथ इंडस्ट्री से उन्हें फिल्मों के ऑफर आने लगे और यहाँ से उनकी एक बार फिर से करियर की नई शुरुआत हो गई।
वो साउथ की फिल्मों में काम करने लगे। कनेथन, कैदी नंबर 150, इन फिल्मों में तरुण अरोड़ा के रोल को बहुत पसंद किया गया। सालों बाद तरुण अरोड़ा एक हिंदी फिल्म में नजर आए, लक्ष्मी फिल्म में। हालांकि रोल तो छोटा सा ही था और उतना नोटिस नहीं हुए, लेकिन अक्षय कुमार की ये फिल्म थी। इस फिल्म में तरुण अरोड़ा ने एक पॉलिटिशियन का किरदार निभाया था। एमएलए गिरजा शंकर का किरदार उन्होंने निभाया था और अक्षय कुमार के साथ काफी सीन्स थे। हालांकि इस फिल्म में काम करने के दौरान तरुण अरोड़ा को पता चला कि एक बड़े एक्टर और एक कैरेक्टर एक्टर में क्या फर्क होता है। तरुण अरोड़ा कहते हैं कि जब अक्षय कुमार सेट पर आते थे तो माहौल अलग होता था। डायरेक्ट शॉट के टाइम पर वो आते थे क्योंकि वो बिजी एक्टर है और उनके आने से पहले सब चीज़ें तैयार रहती थी। वहीं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी सुपरस्टार जो होते हैं, लीड हीरो जो होता है, उन्हें काफ़ी तवज्जो देते हैं। छोटे स्टार्स की तो कोई सुनता ही नहीं है। लेकिन इस बात को वो नेगेटिव वे में नहीं लेते हैं। उनका मानना है कि बड़े स्टार्स को तवज्जो देनी ज़रूरी भी है, क्योंकि आखिरकार लोग थिएटर में आते भी इन बड़े स्टार्स के कारण ही है। अब बात करते हैं तरुण अरोड़ा की शादी की। जब वे मैट में तो उन्होंने करीना कपूर को ठुकरा दिया था, लेकिन पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस के साथ उन्होंने शादी की है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कम समय के लिए ही ये एक्ट्रेस एक्टिव रही थी, लेकिन अपनी अच्छी पहचान छोड़ी और एक सुपरहिट गाना इन पर पिक्चराइज्ड है, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। अंजला जवेरी के साथ इन्होंने शादी की और अंजला और तरुण आज एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। तरुण फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, अंजला भी फिल्म इंडस्ट्री का ही हिस्सा है। उसके बावजूद ये दोनों ना मुंबई में रहते हैं ना ही चेन्नई में रहते हैं, ये गोवा में सेटल हैं, जहां पर अपना रेस्टोरेंट का बिजनेस चलाते हैं और एक अच्छी आरामदायक जिंदगी स्पेंड करते हैं। तो ये है कहानी इंडस्ट्री के उस एक्टर की जिससे लड़कियाँ नफरत करती है और मोस्ट हेटेड या सबसे गंदे बॉयफ्रेंड के रूप में ये जाने जाते हैं। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।